हाय गाइस, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूं जो कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए है। और मैं क्रिसमस की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कैसे मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। जैसे मैंने इस लुक को क्रिसमस पार्टी के लिए क्रिएट किया है, पर आप इसे चाहे तो किसी भी फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी के लिए रिक्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे रिक्रिएट किया है। मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और अब मैं मना करार का प्राइमर अप्लाई करूंगी अपनी स्किन पे। प्राइमर एक बेस की तरह काम करता है और ये हमारे फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड होने में हमारी मदद करता है। तो अब मैं प्राइमर को अपनी स्किन पे अच्छे से अप्लाई करूंगी। मैंने अपने स्किन पे और नेक पे अच्छे से प्राइमर को अप्लाई कर लिया है और मैं इसे 2-4 मिनट तक अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दूंगी। और अब मैं अपने लिप्स पे ब्लेजेंट का लिप बाम अप्लाई करूंगी ताकि मेरी स्किन के साथ साथ लिप भी मॉइस्चराइज हो जाए। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन लूंगी और अपने स्किन पे अप्लाई करूंगी। अब मैं स्पंज की सहायता से अपने फेस के फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैंने अपने फेस और नेक पे अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है। अब मैं लॉरियल के इस मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर की सहायता से अपने फेस को सेट करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने लॉरियल के मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर की सहायता से अपने फेस को अच्छे से सेट कर लिया है। और उसके बाद मैं अपने फेस पे ब्रॉन्जर अप्लाई करूंगी ताकि मेरा लुक थोड़ा स्कल्प्टेड लगे। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अगर आपका स्किन लंबा और पतला है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं शिवाना अल्ट्रा प्लस पैलेट से ये ब्रॉन्जर लूंगी। और इसे मैं चिन, जॉ लाइन, नोज के पास और फोरहेड के पास अप्लाई करूंगी। फोरहेड पे मुझे अप्लाई करने की जरूरत है क्योंकि मेरा जो फोरहेड है वो काफी बड़ा है, इसलिए मैं फोरहेड पे अप्लाई करती हूँ। अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आपको फोरहेड पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्जर की सहायता से हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा फेस स्कल्प्टेड है, फोरहेड छोटा है। ये इल्यूजन देने के लिए हम ब्रॉन्जर का यूज करते हैं। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया है और इसी पैलेट की सहायता से मैं अपने चीक बोन्स पे मैं अपने ब्लश अप्लाई करूंगी। इसके लिए मैं ये कलर लूंगी। ब्लश को हमेशा डैब डैब करके पहले अप्लाई कर ले और उसके बाद से उसे ब्लेंड कर ले अच्छे से ताकि कोई भी हार्स पैचेस ना नजर आए। अब देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे ब्लश अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसी पैलेट की सहायता से हाइलाइटर अप्लाई करूंगी अपने चीक बोन्स पे। ब्रिज ऑफ द नोज हाइलाइटर अप्लाई करूंगी क्यूपिड बो पे। अब मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि सीमलेस नजर आए। अब बारी आती है अपने आईज की। इसके लिए मैं सबसे पहले फ्रीडम के इस ब्रो पेंसिल की सहायता से अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। मेरे आईब्रोज आगे से लाइटर हैं और पीछे से बुशी टाइप के हैं, तो मैं आगे फिल करूंगी और पीछे थोड़ा सा कम फिल करूंगी इन्हें ताकि ये बैलेंस हो सके। और इसे मैं अच्छे से स्पूली की सहायता से ब्लेंड कर लूंगी।
अब देख सकते हैं मैंने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया है और अब मैं अपने ब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। अब मैं इसी ब्राउन कलर से अपने आईलिड्स के ऊपर ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूंगी। अब मैं शुगर के ब्लेंड द रूल्स पैलेट की सहायता से अपने आईज पे आई शेडो अप्लाई करूंगी। उसके लिए मैं ये मैट कलर अप्लाई करूंगी अपने आईज पे। उसके बाद मैं शाइनी शेड ग्रे शेड लूंगी। अब मैं इस रेगा के ब्लेंडिंग ब्रश की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन मेरे आईज पे शो न हो। अब मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का ये शाइन गोल्डन कलर का आईलाइनर अपने आईज पे अप्लाई करूंगी। मैंने अपने आईज पे आईलाइनर अप्लाई कर लिया है और अब मैं अपने आईज के लोअर लाइन पे जो शेडो लगाया है मैंने आईज पे वो अप्लाई करूंगी। और उसके बाद मैं कॉर्नर ऑफ आईज पे अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। उसके बाद मैं मेबेलिन का ये कलरसर काजल लूंगी और अपने आईज के हाफ ऑफ द आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। अब देख सकते मैंने अपने आईज में काजल अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है लिप्स की। इसके लिए मैंने सेडक्शन वेगास का 01 शेड लिया है जो कि रेड कलर का शेड है और क्रिसमस न्यू ईयर की पार्टीज वगैरह पे रेड कलर काफी अच्छा लुक देता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा ये लुक कंप्लीट हो चुका है और आशा करती हूँ आपको मेरा ये क्रिसमस और न्यू ईयर का लुक पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।